हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आलू भुजिया रेसिपी, जो कि बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं और इसे हम एकदम ठंडा आलू लेंगे। इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे सारे आलुओं को। यहाँ पर मैंने सभी आलुओं को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच चाट मसाला और जीरा पाउडर 1 चम्मच, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, फिर काला नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, और उसके बाद सादा नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़े से ऑयल 1 चम्मच जितना डाल के इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम फिर से इसमें 1 कटोरी बेसन ऐड करेंगे। आलू जहाँ तक हो आप ठंडा ही लें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करके इसे मिलाएंगे। 1 कटोरी जितना बेसन लेंगे और इसमें 1/2 नींबू के रस को हम गार देंगे, और इन सबों को हम मिक्स करेंगे। 1 चम्मच और तेल डाल के इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो हमारा ये डो तैयार है। अब इसे हम बनाने के लिए नमकीन वाली मशीन ले लेंगे और इसमें चारों तरफ ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे इमली से ही लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको कस लेंगे जिसमें हमें नमकीन बनाना है। उसके बाद फिर से हम आलू और बेसन के स्टफिंग को लेंगे और इसको इसमें ऐसे लंबा करके डाल देंगे, और इसे हम गर्मा गर्म एकदम तेल में फ्राई करेंगे। तेल एकदम गर्म होना चाहिए, और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप आराम से घर पे बना सकते हैं। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। ये हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे पलट के। हमारा आलू भुजिया नमकीन तैयार है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और क्रिस्पी बना है ये। हम किसी बाउल में अब इसे सारी नमकीन को हम तोड़ देंगे, बारीक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आलू भुजिया नमकीन बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट। और इसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। प्लीज़ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है। प्लीज़ हमें सपोर्ट